वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। पढ़ाई ऐसी करो कि आपके गांव में, आपके शहर में आपकी टक्कर का कोई ना हो। पढ़ाई ऐसी करो कि आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपकी टक्कर का कोई ना हो, स्टेट में आपकी टक्कर का कोई ना हो। इस तरीके से पढ़ाई करनी है, इस तरीके से जज्बा होना चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी देर पढ़ाई करते ही ये लगता है कि मेरा सीटी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरिट में नहीं आ पाऊँगा। ये आप सबको लगता है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। कभी भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब उसको आप 10% कंप्लीट कर दोगे तो मोटिवेशन लेवल और बढ़ेगा। जब आप उसको 30% कर दोगे तब आपका मोटिवेशन लेवल और बढ़ेगा। इस तरीके से जैसे जैसे आप अपने गोल के करीब जाओगे आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता। आपने हमेशा फील किया होगा अगर आप सुबह उठते हो जल्दी और सुबह 5 बजे उठते हो या 4 बजे उठते हो और 8 बजे तक अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स को कर लेते हो कंप्लीट, उनके चैप्टर्स, तो आपको ये फील होता है कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया। आपका पूरे दिन मोटिवेशन लेवल अच्छा रहता है, आपको लगता है ना। तो आपको अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको इसी तरीके से करना होगा। जब आप स्टार्टिंग में आपकी जर्नी स्टार्ट करोगे आपको ये फील होगा कि आपका गोल बहुत दूर है, लेकिन आपको आपके गोल को धीरे 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 करके परसेंट बाई परसेंट आपको ये तक पहुँच। अगर आपसे भागा नहीं जाता ना तो चलो, चला नहीं जाता तो रेंगो, लेकिन पढ़ना मत छोड़ना है। धीरे धीरे करके क्या 1 घंटे के अंदर में चाहे आपके 50 क्वेश्चन हो रहे हो इन कर, चाहे 1 घंटे के अंदर में सिर्फ 25 क्वेश्चन से याद हो रहे हो, लेकिन उसको करना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, आपको सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको बराबर सिर्फ क्वेश्चंस को करते हुए चले जाना है, आपका मोटिवेशन लेवल अपने। इन क्वेश्चंस को करने के लिए, कंटेंट देने के लिए हम हैं। हम आपको आपके टाइम के हिसाब से, बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से आपको डेली बेसिस पे आपको कंटेंट देंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको ये चिंता नहीं करनी है कि मैं कंटेंट कहाँ से लाऊँ, कौन सी बुक पढ़ूँगा या क्या सब्जेक्ट मुझे करना है। टाइमली सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूँ। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में 10 अगस्त के बाद में हम मैक्सिमम प्रैक्टिस और मैक्सिमम रिवीजन करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम के अंदर में स्कोर बढ़े और कॉन्फिडेंस बढ़े। बेटा सिर्फ इतना ही याद में रखना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, गोल बहुत क्या है के लिए उतनी ही मेहनत कर। आपके बगल में जो कॉम्पिटिशन है ना, दिन रात एक कर रहा है कि आपको अपने खुद से पूछना आप क्या कर रहे हो, आप दिन में कितने क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, क्या आज भी थंबनेल खेल रहे हो यूट्यूब के ऊपर में, आज भी फिल्टर पार खबर देख रहे हो या अपने फिल्टर पढ़वा रहे हो, ये देख लेना। टाइम वेस्ट नहीं करना, एक क्वेश्चन का कंप्लीशन आपको 1 मिनट में करना पड़ेगा। 1 मिनट एक क्वेश्चन क्यों करके दिन के अंदर में 1000 से 1200 क्वेश्चन। मेहनत करनी पड़ेगी, जब सिलेक्शन होगा कंपटीशन बहुत है, बहुत पढ़ाव आएंगे। जब यूट्यूब पे कहा जाएगा ये धमाका हो गया, वो फिल्टर पार दिए, यहाँ आंदोलन करना, ये ट्विटर कैंपेन करना, ये करना है, नहीं कुछ नहीं करना है, तो पढ़ाई के ऊपर में ध्यान देना। लोग पढ़ रहे हैं आप कैंपेन में हो, लोग पढ़ रहे हैं आप फिल्टर फाड़ खबर देख रहे हो, लोग पढ़ रहे हैं आप सो रहे हो। क्या आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, डीमोटिवेट होना है या मोटिवेशन लेवल लाना है, या आपको खुद सोचना है। क्वेश्चंस करते रहो, मोटिवेशन लेवल अपने आप आएगा। चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहो, मोटिवेशन लेवल अपने आप आएगा। और किसी भी चीज़ से मोटिवेशन नहीं आएगा जब पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे, टक्कर में आओगे, कंपटीशन में आओगे, मोटिवेशन लेवल अपने आप बढ़ेगा।
इसी के साथ में इस छोटे से सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।